दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। आज देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के का दौरा किया है। माननीय अमित शाह जी ने यह दौरा इंदौर के महू इलाके में स्थित जाम पांव नाम के स्थान से किया है, जो वास्तव में भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। अब चुनाव अभियान की शुरुआत भगवान परशुराम की जन्मस्थली से करना इस बात का संकेत करता है कि भारतीय राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण उसका परंपरागत वोट है उसको साधने के लिए जतन कर रही है। यह देखा गया है कि पिछले चुनाव में जहां एक डॉलर माई का लाल पूरी तरह चुनाव में हावी रहा और उसका परिणाम भी देखने को मिला है, वहीं इस वर्ष सीधी में लघु संघ का संकट पैदा हुआ है, जिसमें ब्राह्मणों की नाराजगी मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्ट नजर आ रही है। संभवतः गृह मंत्री अमित शाह ने यह सोचा होगा कि अब यहां से शुरुआत करने से कम जो उनका पारंपरिक वोट ब्राह्मण है वो उन तक एकत्रित हो जाए। इसके बाद देश के गृह मंत्री ने इंदौर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन को संबोधित करते हुए जहां केंद्र सरकार पर धारा 370 जो कश्मीर में हटाई गई है और सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने अब केंद्र को उसका श्रेय दिया है। साथ ही वे राम मंदिर को भी नहीं भूले हैं। कश्मीर हमारा है या नहीं है, जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। अयोध्या में रामलला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान था, 550 साल से न जाने कितने अजनक लोग शहीद हो गए मगर राम जन्म पर मंदिर नहीं। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का यह बूथ सम्मेलन कितना कारगर होगा जो प्रत्येक संभाग में होना है आने वाले समय में, यह समय बताएगा। लेकिन यह तय है कि यदि ग्वालियर से प्रियंका गांधी ने बिगुल फूंका है तो इंदौर से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।